बेटा टू थाना पुलिस ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में अवैध गांजे की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब से ये खेती कर रहा था और कैसे इसको बेचता था, कहां से ये आइडिया आया, इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी ग्रेटर नोएडा सादमिया खान जी। आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। सर, एक ये हाउसिंग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट में अवैध गांजे की खेती कर रहा था, कब से कर रहा था, किस प्रकार से कर रहा था? देखिए, ये सीपीएमएम के निर्देशन में एक ऑपरेशन प्रहार है जो चल रहा है। इसी क्रम में जो एसीपी 3 है उनके नेतृत्व में ये एक जॉइंट दबिश दी गई। इसमें बीटा की टीम, थाना इकोटेक 1 की टीम और नारकोटिक सेल इसमें शामिल था। इसमें एक आदमी है राहुल चौधरी, उसको अरेस्ट किया गया है। उसने अपने फ्लैट में एक इंडोर सेटअप लगा रखा था जिसमें वो ओजी प्लांट की फार्मिंग कर रहा था जिनसे वीड एक्सट्रैक्ट होता है। उसके लिए सीड्स या सीड्समैन करके एक वेबसाइट है, उससे मंगा रहा था और वहीं पर खाद और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल के ये वहाँ से जो है प्लांट्स को उगा रहा था। और उसके लिए इसने एसी और बाकी चीज़ों के ज़रिए एक एम्बियंट रूम टेम्परेचर सेट किया हुआ था और फुल स्पेक्ट्रम लाइट भी इसने अरेंज करी थी जिससे सनलाइट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। कल जब ये एक जॉइंट दबिश दी गई तो उसमें ये पूरी बरामदगी इसमें 80 प्लांट्स की और बाकी इक्विपमेंट्स केमिकल्स की इसमें हुई है और लगभग 50 से 60 लाख का ये पूरा सामान है जिसकी ये बरामदगी इसमें करी गई है। ये जो बिक्री करता था किस प्रकार से अपने ग्राहकों को बिक्री करता था, पहुंचाता था? ये डार्क वेब के माध्यम से इसने बताया कि अभी तक 10 से 15 प्लांट जो है डार्क वेब के माध्यम से अलग अलग कस्टमर्स को बेच चुका था। इसके अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात की जाए तो एजुकेशन ये इंग्लिश में ये पोस्ट ग्रेजुएट है बताया इसमें। आइडिया कहाँ से आया इसको, ये इसका इंटरनेट के माध्यम से और कुछ टीवी सीरीज मूवी सीरीज देख। तो ये थे डीसीपी ग्रेटर नोएडा सादमिया खान, जिन्होंने बताया कि जो इंटरनेट के माध्यम से आरोपी के दिमाग में आइडिया आया और उसने जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में ही पूरा सेटअप तैयार कर खेती करने लगा। ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम, नाव नोएडा।